हेलो फ्रेंड, आज हम एससीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर 2 से 6 तक के सारे ऑब्जेक्टिव को पढ़ने वाले हैं। मैंने चैप्टर 1 की भी वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? बाजार, जनसंख्या, पूंजी, ऊर्जा। इसका सही उत्तर होगा पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, टाटा लौह इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील सिटी, विश्वेश्वरैया लौह इस्पात उद्योग। इसका सही उत्तर होगा टाटा लौह इस्पात कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट वस्त्र। इसका सही उत्तर होगा सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता रिसरा, कोलकाता कोन्नागिरी, कोलकाता मदिनीपुर, कोलकाता हावड़ा। इसका सही उत्तर होगा कोलकाता रिसरा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जेके सीमेंट उद्योग, टाटा लौह एवं इस्पात, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग। इसका सही उत्तर क्या होगा? बोकारो लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चितरंजन लोकोमोटिव। इसका सही उत्तर होगा चीनी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। इसका सही उत्तर होगा खिलौना उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 2.42 लाख किलोमीटर, 1.46 लाख किलोमीटर, 3.88 लाख किलोमीटर, 5.78 लाख किलोमीटर। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1.46 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूरा पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेस वे, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, सीमांत सड़कें। इसका सही उत्तर क्या होगा? स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई, दिल्ली एवं बेंगलुरु। इसका सही उत्तर होगा कोलकाता एवं दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन का नाम दिया गया? 2006, 2003, 2008, 2005। इसका सही उत्तर होगा 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986, 1988, 1985, 1989। इसका सही उत्तर होगा 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसका सही उत्तर क्या होगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? 7, 5, 6, 8। इसका सही उत्तर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 10, 7, 15, 5। इसका सही उत्तर होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा। इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? 50, 60, 80, 36.5। इसका सही उत्तर क्या होगा? 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 80, 75, 65, 86। इसका सही उत्तर होगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? दरभंगा, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, रोहतास। इसका सही उत्तर होगा रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जूट उत्पादक में वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रहा है, स्थिर है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा गिरावट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, हिमालय की तराई, गंगा का दियारा। इसका सही उत्तर होगा गंगा का दियारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ 1950 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में। सही उत्तर क्या होगा? 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? बेतिया, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, छपरा। इसका सही उत्तर होगा वाल्मीकि नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? रोहतास, सिवान, गया, पश्चिम चंपारण। इसका सही उत्तर क्या होगा? रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? 6374 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर, 6380 किलोमीटर, 6350 किलोमीटर। इसका सही उत्तर होगा 6374 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? वैशाली में, दरभंगा में, बेगूसराय में, भागलपुर में। इसका सही उत्तर होगा दरभंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांवर झील स्थित है दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में। इसका सही उत्तर क्या होगा? बेगूसराय जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ, पटना। इसका सही उत्तर क्या होगा? पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएँ हैं हिमालय क्षेत्र में, दक्षिण बिहार के मैदान में, दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में, गंगा के द्रोणी में। इसका सही उत्तर होगा गंगा के द्रोणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग, लोहा उद्योग, शीशा उद्योग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइराइट खनिज है धात्विक, अधात्विक, परमाणु ईंधन। इसका सही उत्तर होगा अधात्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सोना अयस्क के प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है 5 से 6 ग्राम, 0.1 से 0.6 ग्राम, 0 से 0.1 ग्राम, 0.1001 से 0.003 ग्राम। इसका सही उत्तर क्या होगा? 0.1 से 0.6 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहलगांव तापी विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? भागलपुर, मुंगेर, जमुई, साहेबगंज। इसका सही उत्तर होगा भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांटी तापी विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण। इसका सही उत्तर होगा मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में BHPC द्वारा वृहत परियोजना की संख्या कितनी है? 3, 10, 5, 7। इसका सही उत्तर होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 35.60 मेगावाट, 44.20 मेगावाट, 50.60 मेगावाट, 30 मेगावाट। इसका सही उत्तर क्या होगा? 44.20 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? हाजीपुर, शाहपुर, मुरकुंडा, भवानी। इसका सही उत्तर होगा हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में, पटना में, शाहपुर में, गया में। इसका सही उत्तर होगा मुंगेर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना। इसका सही उत्तर होगा जमालपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी, बाढ़, मोकामा, लखीसराय। इसका सही उत्तर होगा बरौनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर में कालीन तैयार होता है? ओबरा, दाऊद नगर, बिहार शरीफ, गया। इसका सही उत्तर होगा दाऊद नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? समस्तीपुर, पटना, पूर्णिया, अररिया। इसका सही उत्तर क्या होगा? समस्तीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की पहली रेल लाइन थी? मार्टिन लाइन रेलवे, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, भारत रेल, बिहार रेल सेवा। इसका सही उत्तर होगा ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, पटना हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिहार हवाई अड्डा। इसका सही उत्तर क्या होगा? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? 1942, 1960, 1968, 1962। इसका सही उत्तर होगा 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। इसका सही उत्तर होगा मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की सीमा में रेलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6,283, 5,283 किलोमीटर, 7,283 किलोमीटर, 8,500 किलोमीटर। इसका सही उत्तर होगा 6,283 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार शरीफ, राजगीर, गया, बांका। इसका सही उत्तर होगा राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मुंगेर, भागलपुर, बांका, बक्सर। इसका सही उत्तर होगा बांका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? महेंद्रू घाट, गांधी घाट, दीघा घाट, बांस घाट। इसका सही उत्तर होगा महेंद्रू घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी 8 करोड़ से कम, 9 करोड़ से अधिक, 8 करोड़ से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा 8 करोड़ से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है 30%, 28%, 28.63%, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा 28.63%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ग्रामीण आबादी है 89.5%, 79.5%, 99.5%, 0%। इसका सही जवाब होगा 89.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते थे? 772, 881, 981, 781। इसका सही उत्तर होगा 881। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है? भागलपुर, पटना, नालंदा, मुंगेर। इसका सही उत्तर होगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में, आधुनिक समय में। इसका सही उत्तर होगा मध्य युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर है? पटना, मुंगेर, टाटानगर, गया। इसका सही उत्तर होगा टाटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है 20.5%, 15.5%, 10.5%, 25.5%। इसका सही उत्तर होगा 10.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? गुटनबर्ग, लेहमान, गीगर, रिटर। इसका सही उत्तर होगा लेहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। इसका सही उत्तर होगा उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी
महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? स्तर रंजन, पर्वतीय छायाकरण, हैश्योर, तलचीन। इसका सही उत्तर होगा हैश्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलचीन की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समोच्च रेखा, त्रिकोणमितीय स्टेशन। इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा स्थानिक ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? पर्वत, पठार, मैदान, जल। इसका सही उत्तर होगा जल। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपदा प्रबंधन के सारे ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। थैंक यू।